अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में जो लटकती हुई तलवारें हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, उसका जो है पहला शेड्यूल जारी हो चुका है। मुलाजमीन के लिए पेंशन की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। के पी के हवाले से आगाज़ हो चुका है। KPK की जामियात के नए मुलाजमीन के लिए पेंशन की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। तफसीलात आपको बता देता हूँ। KPK की जामियात में नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए अब पेंशन की सहूलत नहीं होगी। महकमा हायर एजुकेशन KP ने तमाम जामियात को हदायतनामा भेज दिया है। इस हवाले से जारी करदा ऐलामिये में कहा गया है कि जामियात नई भर्तियां सरकारी की बजाय अपने पे स्केल के मुताबिक करें। माली खसारे पर काबू पाने के लिए ज़ेरे निगरानी इंतज़ाम स्कूलों की फ़ीस बढ़ाई जाए। इलामिया के मुताबिक मौजूदा मेडिकल और हाउस अलाउंस तब्दील करके सूबाई हुकूमतों की शरह पर लाया जाए। मुरम्मत सिक्योरिटी और दीगर अखराजात रिहाइश पजीर मुलाजमीन से लिए जाएँ। ख्याल रहे कि अपने एक बयान में गवर्नर KPK शाह फरमान ने कहा था कि सूबे की जामियात का मियार तालीम बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हूँ। मुख्तलिफ अमूर पर काम भी किया जा रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता माह सूबाई हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि जामियात में नए असासा भी भर्ती किए जाएंगे। और अब उस हवाले से आपको बताता चलूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो हदायतनामा जारी कर दिया है और जामियात से जो है वो पेंशन की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। KPK से आगाज़ हो चुका है। सरकारी मुलाजमीन इसको नोट कर लें। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।